जिंदगी में सपने देखना हर बच्चे का हक है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक बच्चा अपने सपने के पीछे भागता है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बच्चा था जिसका नाम रोहन था। उसका सपना था कि वो एक दिन अपने गांव को छोड़कर शहर में अपने सपनों को पूरा करेगा और अपनी फैमिली का नाम रोशन करेगा। रोहन के घर में कोई भी काम छोटा नहीं था। वो अपनी माँ की मदद करता था जिसमें सबसे ज्यादा उंगलियां उसकी माँ की मदद करने में ही लगी रहती थी। लेकिन उसका सपना बड़ा था और उस कुछ ऐसा करना था कि सबको उसका नाम याद रहे। रोहन अपने सपने को सच करने के लिए बहुत मेहनत करता था। वो दिन रात पढ़ाई करता था और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगा रहता था। वो हर रोज अपने दोस्त के साथ पार्क में भागता था और अपने सपनों के बारे में बात करता था। अपने सपनों को सच करने के लिए रोहन ने अपने फैमिली के साथ बात की और उन्हें बताया कि वो अपने सपनों को सच करने के लिए शहर जाना चाहता है। उनके फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रोहन ने अपने सपनों को सच करने के लिए बहुत कुछ किया। वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता रहा और किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। उसने अपने सपनों के लिए लगन और मेहनत से काम किया और अपने सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। आखिरकार रोहन ने अपने सपनों को सच कर लिया। वो एक बड़े शहर में एक अच्छे जॉब पे लग गया और अपने सपनों के लिए काम करता रहा। रोहन अपने सपनों को सच करने के लिए बहुत कुछ किया और उसने अपने सपने के पीछे भागते हुए जिंदगी का एक नया मोड़ लिया।